जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आओ, आप सभी का अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर साथ ही साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में या अड़ोस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति ड्रग्स का नशा करता है, यानी ड्रग एडिक्ट है या एल्कोहलिक है, यानी इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो आसपास के माहौल को भी खराब कर देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, किस प्रकार से उनकी नशे की या ड्रग एडिक्शन की आदत को छुड़वाया जा सकता है, वो भी बिना किसी दवाई खिलाए, केवल और केवल वैदिक उपायों के माध्यम से। वो भी वो उपाय जो हमारे महान संतों, ऋषि मुनियों ने अपनी घनघोर साधना के बल पर, तपस्या के बल पर, अपनी अनुसंधान यानी रिसर्च के बूते पर बनाए थे, और बाद में जाकर वो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित हुए। तो उन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों को किस प्रकार से अपनाकर अपने आसपास के माहौल में रहने वाले ड्रग एडिक्टों की आदत को ठीक किया जा सकता है, तो यह सब जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप सभी का अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति पर। राहु महाराज और बुध देवता दोनों ही वृषभ राशि में विराजमान हैं, सूर्य देव मिथुन राशि में विराजमान हैं, नीच के मंगल कर्क राशि में विराजमान है और शुक्र देवता भी वहां पर विराजमान है। केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है, वक्री हैं, सदैव वक्री रहते हैं। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चलेंगे 11 अक्टूबर तक, मकर राशि में अपने ही घर में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में ही चंद्र देवता विराजमान है, और यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह हमारे क्रियाकलापों को आंकलन करते हुए उन्हें पाप और पुण्य की घड़े में भरते रहते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो वहां पुण्य के घड़े में चले जाएंगे हमारे कर्म, और जो बुरे कर्म करेंगे वो पाप के घड़े में संचित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और जब ये पाप और पुण्य के घड़े छलकेंगे तो हमें शुभ और अशुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो 100 बार सोचिएगा, आपको अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, किसी राजाशाही के परिवार में जन्म चाहिए, सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की वर्षा चाहिए, या दुख दरिद्रता दुर्गति और दुर्भाग्य की आवश्यकता है, आपके अपने विवेक पर छोड़ी जाती है सारी चीजें, नवग्रह देवताओं ने भी आप ही के ऊपर छोड़ रखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर मैं धर्मगुरु होने के नाते आपको सलाह अवश्य दूंगा कि गलती से भी कभी देशद्रोह ना करें, सरकारी संपत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार की कार्रवाई में लिप्त ना हो, किसी भी प्रकार से नशे का या मिलावटखोरी का या नकली दवाओं का कारोबार करने वाले व्यक्तियों से संबंध ना बनाए, किसी भी प्रकार से अड़ोसी पड़ोसी समाज का रिश्तेदार का बुरा ना करें, तो फिर आपको क्यों नहीं सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की निरंतर प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तगणों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी लॉन्च की है, गूगल प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति इस मोबाइल ऐप का लिंक चाहते हैं उनके लिए ये लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है।
इस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का उपाय डायरेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना किसी पैसा दिए जान सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर मैं प्रयास करता हूं आप सभी लोगों को आपके जन्मदिन पर, आपकी शादी के अवसर पर शुभकामना संदेश देकर, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। प्रिय भक्तगणों, आज है विक्रम संवत सन 2078, 29 जून मंगलवार का दिन है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। परमपिता परमात्मा जो अपने द्वार आप सभी के लिए खोलने वाले हैं, मेरे लिए खोलने वाले हैं, वो समय है शाम को 9:16 से लेकर 10:52 तक ये समय रहेगा। इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों को नमन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ प्रिय भक्तगणों, आज जो लोग शुभ मुहूर्त तलाश रहे उनके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 11:45 से लेकर 1:04, ये दोपहर का समय है यानी दिन का समय है, तो कोई भी शुभ कार्य इस समय के मध्य में आप प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए जो समय रहने वाला है वो समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 8:57 तक, या फिर शाम को 5:19 से लेकर 7:46 तक। इस समय पर आप अपने जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे बुरा किसी का नहीं करना है, अगर आपके हाथ उठे तो लोगों के कल्याण के लिए उठेंगे। इस मंगल कामना के साथ किया गया कोई भी कार्य आपको शुभता प्रदान करता है। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि अगर आपके आसपास यानी हमारे समाज में आपके आसपास रिश्तेदारी में अड़ोस पड़ोस में या जान पहचान में कोई भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है या बहुत ज्यादा एल्कोहलिक है जिसकी वजह से समाज को उसके घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो ऐसे व्यक्तियों को नशे के चंगुल से आजाद कराने के लिए हमारे महान संतों ऋषि मुनियों ने अपनी घनघोर तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने ध्यान के बल पर कुछ खोजें की थी, कुछ रिसर्च की थी, कुछ अनुसंधान किए थे। वही अनुसंधान बाद में जाकर हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित हुए। उन उपायों के आधार पर जो भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त का शिकार है उसे बहुत आसानी से बिना कोई किसी दवा के आप उसके ग्रहों को ठीक करके नशे के चंगुल से धीमे धीमे आजाद कर सकते हैं, उसके मन में नफरत पैदा कर सकते हैं, उसे ड्रग एडिक्शन से या अल्कोहल से नफरत हो जाएगी धीमे धीमे करके, वो अंदर से ही नफरत जो उत्पन्न होगी तो वो दोबारा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। किस प्रकार से उसकी इस आदत को छुटकारा दिलाएं उसके लिए हम जन्म कुंडली के माध्यम से, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जन्म कुंडली के माध्यम से, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो उसका चेहरा देखकर प्रश्न कुंडली के माध्यम से वीडियो कॉल पर ही, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हैं, वीडियो कॉल पर ही आपको उससे संबंधित उपाय दे सकते हैं। उन उपायों के द्वारा जो नशे के एडिक्शन का शिकार व्यक्ति है धीरे धीरे नशे से नफरत करने लगेगा और अंततः पूरी तरीके से नशे के चंगुल से आजाद हो जाएगा और इसमें आपको किसी भी प्रकार की से न दवा खिलाने की जरूरत हो रही है हमारी तरफ से, ना हम कुछ
ऐसा कोई उपाय करते हैं जो किसी भी रूप में उसे हानि प्रदान कर सके। तो वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर उनके घर वालों को सूचित करें, बता दें ये नंबर, ताकि वो अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को, अपने कलेजे के टुकड़ों को ड्रग एडिक्शन की आदत से या एल्कोहलिक होने की आदत से छुटकारा दिला सके। बहुत लोगों ने इन उपायों को प्रयोग करके अपने जीवन का सिद्धांत ही बदल दिया है, दर्शन ही बदल दिया है। जिन्हें होश नहीं होता था वो अब होश में आ गए हैं और समाज के काम आने लगे हैं। तो आप इस नेक कार्य में अपना योगदान देना, योगदान मीन्स उन ऐसे लोगों को बताना हमारे बारे में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, अपने परिवारजनों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें अपने जीवन में। भाई बहन निश्चित रूप से परिवार वालों के साथ मिलकर आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु कुछ विरोधाभास हो सकता है परिवारजनों के साथ, किंतु भाई बहनों की मदद से, परिवारजनों की मदद से शीघ्र शीघ्र आपको उन सभी युवक युवतियों को जो नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के चांस तलाश रहे थे, उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता से झगड़ा नहीं करना है किसी भी कॉस्ट पर, माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, अगर भाई बहनों की मदद लेकर पढ़ाई लिखाई को ऊपर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर सकेंगे। जिन लोगों को अभी तक जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हुई है वो माता के सहयोग से जीवन साथी की शीघ्र प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनका जीवन साथी उनको मकान या वाहन में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई मकान या वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें जीवन साथी एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के देवता, क्योंकि बकरी होकर आमंदनी बैठे तो कहीं ना कहीं आमंदनी को प्रभावित अवश्य करेंगे, कार्यस्थल पर बैठे तो शनिदेव महाराज भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे, शनिदेव महाराज बकरी है, पिताश्री के चरणों का आशीर्वाद यहाँ बहुत काम आएगा। आपके नित्य प्रति कार्यस्थल पर जाने से पहले उनका आशीर्वाद अवश्य लें, कार्यस्थल पर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, सावधान रहे, सतर्क रहे। प्रेम संबंधों में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसकी पर आने नंबरों पर अपनी सभी प्रकार की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए या प्रेम संबंधों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमसे चर्चा करें वीडियो कॉल के माध्यम से, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को आनंदित करने का प्रयास करें। यहाँ बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्ति के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो उलझने हैं कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, किंतु बुद्धि के देवता आपके सिर पर बैठकर आशीर्वाद दे रहे, तो उनके लाभ से, परिवारजनों के आशीर्वाद से आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक परिवारजनों की तरफ से एक शुभ सूचना है, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर या व्यापार में कुछ अच्छा करने के लिए, तो उस सूचना को, लाभांश को पकड़ कर लाभान्वित होने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सूचना आपको ही लाभ प्रदान करने वाली है। भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना है, उनका साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। माता का आशीर्वाद लेना निश्चित रूप से आपको, जो नौकरी की बात चल रही थी उसमें लाभ प्रदान करेगा, अगर सरकारी नौकरी है तो बेहद लाभ प्रदान करेगा। यहाँ पर बात करूंगा स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट निश्चित रूप से अब कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे कुछ उलझनों के बाद। माँ बाप ध्यान दें, अगर आप अपने बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में फोकस करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय अगर समय समय पर उनसे करवा लेंगे, साल में एक बार किया जाता है ये उपाय, तो उसको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बात करूंगा आपके जीवन साथी के स्वभाव को देखते हुए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इन दिनों, उनके क्रोध से बचने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के अपार अभी तक जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हुई है उनके जो रिश्तों की बात चल रही थी, अगर वो शादी के लायक हैं तो वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाग्य में बैठे हुए बकरी शनि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, सावधान रहें। अपने राशि के मालिक को, अपने भाग्य के मालिक को सदैव वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अंगूठियां पहनकर, इन रत्नों की या उपरत्नों की अंगूठियां मंत्र सिद्ध पहनकर
लाभ उठाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ी सी परेशानी अड़चन आ सकती है, शायद यात्रा का एक संयोग बन सकता है, जो भी करें सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से कुछ उलझनों की बात, कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है, लाभ उठाने का प्रयास करें। कोई भी परेशानी होने पर बिना किसी झिझक के, चाहे वो प्रेम संबंधों की हो, जीवन में किसी अन्य प्रकार के संबंध से संबंधित परेशानी, बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। क्या बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, मिथुन राशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह जब राशि से ट्वेल्थ होकर बैठेगा तो आपको कमजोर बना देगा, और भाग्य के व्यक्ति अष्टम बैठेंगे तो आपको डबल कमजोर बना देंगे। साथ ही साथ भाग्य में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति बकरियों पर आपको परेषान कर सकते हैं। तो ऐसी सभी विषम परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने राशि रत्न, भाग्य के रत्न और अपने कार्यस्थल के रत्न की मंत्र सिद्ध पाठ पत्र जागृत कराकर रत्न अंगूठियां धारण करें। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठियां घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। परिवारजनों से झगड़ा नहीं करना, उनका आशीर्वाद आपके निश्चित रूप से काम आ सकता है। भाई बहन की बात करें तो वो निश्चित रूप से आपको मदद देते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी प्रमोशन इंटरव्यू सफलता जैसी सूचना आपको मिल सकती है, मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं, या फिर आपकी व्यापार में उन्नति के आसार नजर आ सकते हैं। माता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनसे झगड़ा करना निश्चित रूप से आपको परेशानी में डाल सकता है। जो स्टूडेंट हैं वो फोकस करें पढ़ाई लिखाई में, अगर वो फोकस पढ़ाई लिखाई में नहीं करेंगे, हालांकि मैं जानता हूँ इस समय में पढ़ाई लिखाई में फोकस करने में परेशानी आएगी, किंतु ना करना है, अगर अपने आगे चलकर अपना करियर बनाना है तो उन्हें पढ़ाई लिखाई में फोकस करना ही पड़ेगा। फिर भी कोई अड़चन है तो बिना किसी के वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा आपके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए। बुद्ध देवता का बीमारी के घर को निहारना राहु महाराज और केतु महाराज के साथ शुभ संकेत नहीं दे रहा है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और आपकी अगर बात करूं, आपके शादी के रिश्ते की अगर कोई बात चल रही थी तो उसके खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं, किंतु जो लोग ऑलरेडी शादी शुदा है वो इस बात का ध्यान रखें कि अपने संबंधों में किसी प्रकार की खटास आने से बचें, अपने ग्रह कलेश से बचने का प्रयास करें। भाग्य के देवता को मजबूत हमेशा बनाकर रखें, और आमदनी के देवता का खराब हो जाना निश्चित रूप से आपकी आमदनी को खराब करता हुआ नजर आ रहा है, उसे प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों का सहारा हमारे वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे लेकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखें, और जो आपके ऊपर विपरीत सेक्स का जो नशा सवार हो रखा है उससे अपने आप को संभालने का प्रयास करें। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के अवसर से तलाश है तो उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सभी व्यक्तियों से कहना चाहूंगा बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा। अगर परमपिता परमात्मा ने आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का थोड़ा मोड़ा भी योग बना रखा है तो उस योग को मजबूत किया जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा। हाँ, अगर उन्होंने काटा ही मार रखा कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो मैं भी क्या कर सकता हूँ और कोई और भी क्या कर सकता है, क्योंकि जब भगवान ही किसी चीज पर काटा मार देते हैं, क्रॉस बना देते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। यहां बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों में अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, झगड़ा करने का प्रयास ना करें अपने प्रेम संबंधों के। प्रेम आपके लिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और यहां बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में, अगर रिश्तों की कई बात चल रही है तो खराब होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी और अपने मध्य ग्रह कलेश को उत्पन्न न होने दें। छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा ग्रह कलेश को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ भाग्य के देवता का बकरी हो जाना निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी का सूचक है, और अष्टम हो जाना और भी परेशानी का सूचक है। तो सदैव अपने राशि रत्न के और भाग्य के रत्न की अंगूठी पहनकर अपने आप को मजबूत बना के रखिए, ताकि विपरीत से विपरीत परिस्थिति का सामना करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए।
कार्यस्थल पर भी आपको अड़चन और परेशानी आ सकती है, बॉस से, साथी कर्मचारियों से या अधीनस्थ कर्मचारी आपको परेशान कर सकते हैं। आमदनी के हालात कुछ उलझन तो रहेंगे, फिर भी आप आमदनी करने में सक्षम हो सकेंगे। इन दिनों इसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। अनावश्यक खर्चों से या सरकारी बिलों से, जो अनावश्यक बिल है उनको सोच समझ कर ही पे करिएगा, क्योंकि अनावश्यक बिल अगर ज्यादा आ जाता है अपील करते थे तो फिर वापसी के लिए आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी रूप में परेशान हैं तो बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यह बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्ति के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह जब आपके आमदनी में जाके बैठेगा तो कहीं ना कहीं से तो आमदनी करा ही देगा, साथ ही साथ आपके लिए तो वैसे भी आपके रिश्तेदारों की मदद से आपको चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, सरकारी नौकरी, इंटरव्यू या व्यापार में उन्नति का एक अवसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। यहां पर बात करता हूं परिवारजनों की, तो निश्चित रूप से परिवारजनों का आशीर्वाद आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। माता से झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, कोशिश करिए उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकले। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कुछ अड़चन खड़ी हो सकती है। जिन लोगों की रिश्तों की बात चल रही थी शादी की, वो बात खराब होती हुई नजर आ रही है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधान होकर करें। साथ ही साथ अगर आप शादी से जाए तो अपने जीवन साथी से कलेश बिल्कुल भी मत करिएगा। जो व्यक्ति अपनी नालायक संतान की वजह से परेशान है, जो उनको अपमान करती है, तो ऐसे नालायक संतान को कंट्रोल करने के लिए अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके और आपके संतान के मध्य दोबारा से प्रेम संबंध, बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो संतान ना होने से दुखी है। बार बार मिसकैरेज हो जाता है ऐसे व्यक्ति, डॉक्टरों की बहुत सारे साल तक इलाज कराने के बाद भी परेशान रहते हैं क्योंकि संतान उत्पन्न नहीं हुई, बार बार मिसकैरेज हो रहा है और डॉक्टर भी मदद नहीं कर पा रहे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है तो उनका चेहरा परेशानी को समझकर वीडियो कॉल के माध्यम से कराया जा सकता है। आप घर बैठे ही इस उपाय को करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, मिसकैरेज नहीं हुआ, गर्भधारण ही नहीं हुआ तो मिसकैरेज कहां से होगा। सालों हो गए इलाज कराते कराते मगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसे व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए अपनी जन्म कुंडली को वीडियो कॉल के माध्यम से हमें दिखाएं। अगर भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में क्रॉस नहीं मारा हुआ है संतान वाली जगह पर, यानी संतान वाली जगह पर काटा नहीं मारा हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो संतान प्राप्ति के योग हैं आपकी कुंडली में, तो उन योगों को मजबूत करके आपको संतान प्रदान करवाई जा सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, छोटे से उपायों के माध्यम से। घर बैठे ही आप संतान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्ति के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह आपकी भाग्य में बैठकर आपको आशीर्वाद देता हुआ नजर आ रहा है, किंतु वहां पर राहु महाराज जो है उलझनों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। भाग्य के देवता कहीं पीड़ित है आमंद में बैठकर, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो अपने भाग्य के देवता को मजबूत करिए, अपनी राशि के मालिक को मजबूत करिए, अपनी आमंदी के मालिक को मजबूत करिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके पिता का आशीर्वाद आपके लिए नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, सरकारी नौकरी, इंटरव्यू या व्यापार में उन्नति के चांस प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहां पर मैं बात करने चाहता हूं
भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना है, प्रेम संबंधों में भी परेशानी और अड़चन आ सकती है। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप कृपया करके ध्यान दें। जिन लोगों की शादी से संबंधित बात चल रही थी, रिश्ते की बात चल रही थी, वो खराब होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में, विशेष रूप से सांस सांस में या पथरी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, यूरिन इन्फेक्शन आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ज्यादा परेशानी होने पर बिना किसी चीज के स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे चर्चा करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्ते, मैं डिंपल, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा पंजाब से। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं बहुत दुखी थी, स्पेशली इस चीज़ के लिए कि मेरे हस्बैंड के घर में कोई धन की बरकत नहीं थी, उनका अपना मकान नहीं था, वो बहुत अपसेट रहते थे। तो एक दिन मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पर गुरुजी की, और मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, उनसे बात की। मैं जब पहले किसी से भी बात करने की कोशिश करती थी तो किसी पर भी यकीन नहीं होता था। जब मैंने गुरुजी से बात की, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने हमें पूजा करने के लिए बोला, उन्होंने जो जो भी हमें उपाय बताए, श्री गुरु रजनीश ऋषि जी ने हमें रिंग्स दी, और आज उनके बताए हुए उपाय करने से, उनकी रिंग्स देने से हम मैं इतनी खुश हूँ कि आप मेरी आवाज़ से पहचान ही सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने वो उपाय किए, आज मेरे पति का मकान, उनका घर बनने जा रहा है, हमें वो खुशी मिलने जा रही है जिसके लिए हम बेसब्री थे, जो हम सोच रहे थे कि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास बरकत बिल्कुल भी नहीं थी। गुरु रजनीश ऋषि जी, मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन आपने मुझे रिंग दी, मैं उस दिन खुशी के मारे इतनी उछली थी कि मैं खुशी से पागल हो गई थी, उछल उछल के, उछल कूद के, कि हाँ आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे कभी किसी पर भी इतना विश्वास नहीं हुआ, जब मैं उनसे बात करती हूँ, श्री गुरु रजनीश ऋषि जी से बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं और बोल रहे हैं, तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी गलत होगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आपसे यही बोलना चाहती हूँ, अगर किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना चीज के गुरु रजनीश ऋषि और गुरु माँ रुक्मणी जी से संपर्क करें, उनसे बात करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बिना सोचे समझे उनसे बात करें। उनसे बात करके ही आपको मेरी तरह ऐसा ही लगेगा कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच गुरु रजनीश ऋषि जी, मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। गुरु माँ रुक्मणी जी, गुरु रजनीश ऋषि जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आज मेरे पति घर मकान बनाने जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। बात करूँगा तुला राशि वाले व्यक्ति के बारे में, तुला राशि वाले व्यक्ति आपका अपना गिर, जब कार्यस्थल पर बैठेगा तो निश्चित रूप से कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही करेंगे, किंतु साथ ही साथ कुछ परेशानी भी आएगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कार्यस्थल पर, साथी कर्मचारियों के साथ, बॉस के साथ, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं। परिवारजनों से भी झगड़ा नहीं करना है, माता का भी ख्याल रखना है। अगर आप मकान का या वाहन का सौदा करने जा रहे हैं तो दो बार सोचिएगा, क्या ऐसा करना आपके और आपके परिवार के हित में है या आपके हित में है, तभी इस तरफ आप अग्रसरित होइएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो जो रिश्तों की बात चल रही थी वो खराब होगी, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किंतु जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके जीवन में गृह कलेश अचानक से बढ़ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अपने घर से गृह कलेश को भगाने के लिए, शांति मैडम की पुनर्वापसी के लिए, ताकि आपके बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर
अष्टम होता हुआ बुद्ध आपके भाग्य को खराब कर रहा है, राहु महाराज के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आती नजर आ रही है, किंतु फिर भी परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद की वजह से आपके ऊपर एक कृपा दृष्टि करना चाहते हैं। वो नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर सरकारी नौकरी या इंटरव्यू के माध्यम से या व्यापार में उन्नति के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। ऐसा मौका भगवान के दर से बार बार नहीं मिलता है। अपने ग्रहों को अगर कमजोर महसूस करें तो मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि भाग्य के ग्रह इस समय खराब है, कहीं ऐसा ना हो कमजोर भाग्य हाथ में आई उस मौके को हाथ से निकाल दें। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो नौसी रूप से कुछ परेशानी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। आमंदनी के देवता निश्चित रूप से भाग्य में बैठकर आपकी आमंदनी में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। लाभ उठाइएगा प्रेम संबंधों में या किसी अन्य प्रकार की परेशानियों में, जीवन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होने पर आप बिना किसी झटके स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वैसे ही आपका ग्रह बहुत खराब चल रहा है। आपके भाग्य का ग्रह भी ठीक हालात में नहीं है, तो अपने आप को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो आपके लिए विषम परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, और यहाँ भाई बहनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। माता का आशीर्वाद आपके काम आ सकता है, माता से आशीर्वाद ही लेने की प्रयास करें। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान दें, अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, तो उसका मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगाने का प्रयास करिएगा, ताकि आगे चल के वो अपने आप ही पढ़ने लिखने लगे। आप उसे एक बार कहने की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसे उपाय करता हूँ, कोई स्कूल आपको गारंटी नहीं देता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। साल में एक बार छोटा सा उपाय करो, वो उपाय वेल सफिशियंट है। यहां बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में, तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के लड्डू ही खाने को नहीं मिले हैं, बार बार अड़चन उलझन आ जाती है, रिश्तों की बात होते ही वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है, ऐसे करते करते बाल सफेद हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी कहते चिढ़ाने लगे, तो ऐसे सभी युवतियां इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। केले के पेड़ का पूजन या खाली बृहस्पति देवता के पूजन से आपकी शादी नहीं होने वाली, और अगर होती है तो केवल और तभी हो सकती है जब खाली बृहस्पति देवता आपके खराब हो। लेकिन नॉर्मली जब मैं कुंडली देखता हूं तो चार चार पांच पांच छह छह ग्रह तक शादी के रास्ते में अड़चन बनकर खड़े हुए होते हैं, तो शादी हो तो कैसे हो। जब तक आप उन ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे, उनकी पीड़ाओं को, उनके दोषों को निवारण नहीं करेंगे आसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा, तब तक आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अरे 80-85% लोगों की शादी तो शादी की उम्र होते होते अपने आप होने लगती है, मुश्किल केवल वो 10-15% लोगों को आती है, तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। लाभ उठाइएगा अपने वृश्चिक राशि वालों, आपके जो जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो थोड़ा परेशानी रहेंगे इस समय पर, क्रोध के शिकार हो सकते हैं, हालांकि आपका जीवन साथी आपके भाग्य को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। लाभ उठाइएगा। जो युवक सोचते हैं सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट या मनचाहा ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, तो ससुराल वालों की मदद से तो ऐसा संभव होता है, वरना तो ये चांस नहीं नजर आ रहा, खराब होते हुए नजर आ रहे हैं ये चांस, निराशा देने वाले चांस नजर आ रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर भी अगर किसी प्रकार की मदद की जरूरत है अपने उन खराब ग्रहों को मजबूत करने के लिए, ताकि आप सरकारी नौकरी की या नौकरी की प्राप्ति कर सकें, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय वीडियो कॉल के माध्यम से आप घर बैठे ही कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। फिर देर किस बात की, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी वीडियो कॉल करें। यहां पर कार्यस्थल के देवता का अष्टम हो जाना निश्चित रूप से आपको कार्यस्थल पर प्रॉब्लम देगा, बॉस से, साथी कर्मचारियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, साथ ही साथ जीवन साथी की मदद से आपके आमदनी में वृद्धि होती हुई नजर आ रही, तो उस वृद्धि को, उस आमदनी में हो रहे उठाव को और बूस्ट देने का प्रयास करिएगा।
और लाभ उठाइएगा। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से निराशा का सामना करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी पर होने पर बिना किसी किसी पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बात करूंगा धनुराशि वाले व्यक्ति के बारे में, धनुराशि वाले व्यक्ति क्रोध को थामने का प्रयास करें। अनावश्यक क्रोध तोड़ फोड़ आपका ही नुकसान करेगी। परिवारजनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनसे झगड़ा बिल्कुल ना करें। भाई बहनों का भी ख्याल रखें और माता का भी आशीर्वाद देने का प्रयास करें। यहाँ पर स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ इस ये महामारी का जो पीरियड चल रहा है कोरोना की, वो भी आपको दुख दे सकता है, तो उससे भी बचने का भरपूर प्रयास करें। आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। उन सभी युवकों की बात करें जो नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या सरकारी नौकरी इंटरव्यू या फिर व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, तो उन सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ख्याल रखें। यहाँ पर बदनामी से बचने का भी प्रयास करिएगा। संभावना आप अनावश्यक रूप से बदनाम भी हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े से या एक्सीडेंट चोट इत्यादि से बचने का भी अवश्य ही प्रयास करिएगा। यहाँ पर भाग्य के देवता निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यस्थल के हालात अनुकूल नहीं होंगे। नौकरी प्रमोशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। साथी कर्मचारी, बॉस, अधीनस्थ कर्मचारी, इनकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आमदनी के हालात भी अनुकूल नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। परेशानी के स्कीम पर आने नंबरों पर आप हमारी मदद ले सकते हैं। बात करूंगा मकर राशि वाले व्यक्ति के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति जो ये समय चल रहा है वो आपका अपनी राशि का मालिक अगर वकील होगा तो कैसे काम चलेगा। अपनी राशि के मालिक को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही जो भाई बहनों के ग्रह है उनके कारण आपको अड़चन आ सकती है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। परिवार वालों से झगड़ा करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है कुछ मन तो पढ़ाई लिखाई में लगा सकते हैं, किंतु प्रॉब्लम हो सकती है। माता से झगड़ा करना आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। जिनकी शादी के रिश्तों की बात चल रही थी उनमें अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग ऑलरेडी शादी शुदा है उनका ग्रह कलेश होना स्वाभाविक है इस समय के दौरान। सावधान रहे, सतर्क रहे। रोने से काम नहीं चलेगा। जानता हूं कि आपका जीवन साथी इस समय रोने से काम चलाएगा, किंतु ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप कारण उन कारणों का निवारण कर लीजिए जो आपके घरेलू जीवन में ग्रह कलेश के कारक है। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत करके, अपने उन ग्रहों को जो कमजोर है उनको मजबूत करके आप अपने जीवन में उन्नति के अवसरों को तलाश सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्ति के बारे में। एक तरफ तो आपका राशि के मालिक बकरी ऊपर से सिर पर बैठे हुए, यानी राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति बकरी ऊपर से यात्रा की संभावना, कोई शुभ समाचार है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। यात्रा करने से बचने का प्रयास करिएगा। अपने क्रोध को और अपनी नेगेटिविटी को संभालने का प्रयास करिएगा। अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करके उनसे संबंधित रत्नों के उनको को धारण करके आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। माता से झगड़ा नहीं करना, माता का आशीर्वाद यहाँ बहुत काम आने वाला है। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर या व्यापार में उन्नति के अवसर चला सकते, तो उनके लिए शुभ समय है। समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट हैं वो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में मन लगा सकते हैं, कुछ अच्छा करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड इंफेक्शन या मर्दानगी की समस्याओं से ग्रसित होने से बचिएगा। क्या लेडीज के लिए फीमेल डिसऑर्डर से बचने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, सावधान है। यहाँ पर जो आपका जीवन साथी है वो निश्चित रूप से आपको मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, आपको खुशियां देता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन तो उसका लाभ उठाइएगा। भाग्य के देवता निश्चित रूप से आपको
परेशान कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सावधान रहिए इन दिनों। और इम्पोटेंसी की समस्या का विशेष रूप से निदान करने का प्रयास करिएगा। कार्यस्थल पर उलझने, अड़चने, लड़ाई झगड़े और परेशानी दोनों ही हो सकती है, सावधान रहें। आमदनी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ सकती है, तो विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक परेशानी होने की अवस्था में आप बिना किसी झक्के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्ति के बारे में। मीन राशि वाले, आपका अपना ग्रह जब बकरी होगा और राशि से ट्वेल्थ होगा, तो कुछ ना कुछ तो आप कुछ देख ही चला जाएगा। तो चंद्रदेव का भी साथ आ गया तो शायद यात्रा की संभावना भी बना दे। यहाँ पर आपके भाई बहन आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ उलझनों के बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। माता का आशीर्वाद आपके लिए खुशखबरी ला रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू, सफलता, सरकारी नौकरी के चांसेस, मनचाहा ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर व्यापार में उन्नति की चांस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय विशेष का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा रोमांस की तरफ अट्रैक्ट होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें और लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करें। जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है वो अपने भाई बहनों की मदद से शीघ्रताशीघ्र जीवन साथी प्राप्त करने की संभावना देख सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो लोग निश्चित रूप से आपका बाहुबल बनकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका जीवन साथी जो है आपका बाहुबल बनकर आपको लाभ पहुंचाएगा। तो कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं है। साथी कर्मचारी, बॉस या अधीनस्थ कर्मचारी आपको परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं। और आमंत्रित में भी अड़चन अचानक से आकर खड़ी हो सकती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की बकरी नहीं है तो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनी कमजोर ग्रहों को ठीक करिए ताकि आप बड़ी से बड़ी परेशानी का आसानी से मुकाबला करके हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर सके। कोई भी परेशानी होने पर आप स्क्रीन पर आने नंबर पर वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे चर्चा करिए और लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात करूंगा आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।